यूपी के जनपद हाथरस से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी के जनपद हाथरस में ट्रक ने बोलेरो में मारी जोरदार टक्कर, दंपति की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित गांव रोहेरी के पास मंगलवार सुबह ट्रक और बोलेरो की टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार दंपति की मौत हो गई। दो बच्चों सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 3 लोगों को अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया। आगरा की फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के गांव जगराजपुर निवासी जयप्रकाश यादव अपने परिवार के साथ रविवार को बोलेरो से हरिद्वार मंसूरी गए थे। वापस लौटते समय मंगलवार सुबह हाथरस गेट थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित रोहेरी गांव के पास सुबह 4 बजे ट्रक ने बोलेरो में टक्कर मार दी। हादसे में जयप्रकाश की पत्नी बेबी उम्र करीब 50 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जयप्रकाश की अलीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। बेटा रजत और उसकी पत्नी सोनम, शैलेंद्र, विक्रांत और शैलेंद्र के 2 बच्चे दड़पड़ एवं अर्जुन घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 3 घायलों को अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया। जयप्रकाश के सबका पोस्टमार्टम अलीगढ़ में हुआ, वहीं बेबी के सबका पोस्टमार्टम हाथरस में किया गया। दोनों के सबको पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। देर शाम जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो पूरे गांव में मातम छा गया, क्योंकि जयप्रकाश यादव पूर्व प्रधान थे और गांव में उनकी अच्छी खासी छवि थी, जिसको लेकर के पूरा गांव का माहौल गमगीन हो गया। क्या नाम है साहब का? हरीश यादव मेरा नाम। हरीश यादव? रजत यादव। कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव जगरायपुर तहसील फतेहाबाद जिला आगरा आगरा। कहाँ से आ रहे थे आप? मंसूरी से आ रहे थे। है जी? मंसूरी से दर्शन करके आ रहे थे क्या? हाँ। ये आपका पूरा परिवार है? पूरा परिवार है, पूरी फैमिली से आ रहे थे। तो क्या लौटते में क्या हुआ? लौटते में ट्रक वाले ने टक्कर दे दी थी। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। कितने बजे घटना है? टाइम हुआ तुम्हारा 1:30 बजे करीब। 1:30 बजे तो आप लोग पूरे परिवार सहित आप दर्शन करके आ रहे थे लौट के? पूरे परिवार सहित। कौन सी गाड़ी थी?